जिंदगी चल रही थी बुलंद हौसलों के साथ, ना रास्ता मालूम सफर अंजाम। वक्त का ऐसा मोड़ आया जब नाम हर किसी की जुबां पर छाया। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको बहुत रोचक बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, रानू मंडल का नाम आज हर किसी की जुबां पर है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि रानू जी स्टेशन पर गाना गाकर अपनी आजीविका चलाती थी। रानू जी बेहद गरीब थी और एक प्यार का नगमा है गाना सोशल मीडिया में वायरल क्या हुआ, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बुलावा आ गया, जिनका गाया गाना आज हर किसी की जुबां पर है। दोस्तों क्या आपने एक बात नोटिस की, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बचपन में स्टेशन पर चाय बेचते थे और इस बात को कहने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। मित्रों, मोदी जी और रानू जी बेहद गरीबी में रहे लेकिन कभी जिंदगी से हार नहीं मानी, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी जी और रानू मंडल जी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, क्योंकि दोनों के जीवन में एक बात कॉमन है, वह रेलवे स्टेशन। मित्रों आप भी जीवन में निराश ना हो, बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़े, आप भी एक बड़ा मुकाम जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।